बाबो, मैं जानू हूँ हमारे से बड़ी गलतियां हुई हैं, पर क्या करूं, जंगल में पली बड़ी गाय तो सिंह ही मारे हैं ना। जब से होश संभाला है मायके में बड़ी तंगी देखी है। बचपन में मारी माँ हमारे से बड़ी भक्ति कराया करती थी, जब थोड़ी बड़ी हुई तब समझ आया कि ये व्रत भगवान को श्रद्धा देने के लिए नहीं होते थे, बल्कि हफ्ते में 3 दिन एक आदमी की रोटी बचाने के लिए करवाए जाते थे। चाचा ताऊ इतने बदमाश थे, मेरे बापू की धोती ना खोली और तो सब ले गए, सारा हिस्सा खा गए। उसके बाद हर छोटी से छोटी चीज के लिए तरसना पड़ा, हर चीज की कीमत पता चली। बस तभी से बाबू, तभी से पैसों का लालच मन से ही ना गया, पड़ता ही चला गया। एक बात कहूं बाबू, जो जिंदगी भर भूखा रहा हो ना, उसे मंदिर में भगवान को नहीं दिखे, उसे सिर्फ प्रसाद से मतलब होता है। बस इसी तरह हमारे दिल में भी लालच आ गया और मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठी बाबू। लालच ने हमारे आंखों पर पट्टी बांध दी थी बाबू। अपने जन्मदाता की स्वागत खाती हूँ, मैंने रुपट्टा लिखवाई, अपनी जान से ज्यादा आपकी इज्जत प्यारी है हमारे को। सच बता रही हूँ बाबू, मैंने रुपट्टा लिखवाई, मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया। बीनड़ी, जो बीत गया उसे जाने दे। संतुड़ी, ए संतुड़ी, कैसी है रे तू? थारे को थाने जाते देख मारी तो छाती बैठ गई, बहुत चिंता हो रही थी मारे को थारी। ऐसा मैं ठीक हूं, थेलो मारी चिंता ना करो। जे तो तू मारा मन रखने के लिए कह रही है, नहीं तो कोई लुगाई थाने का चक्कर काट कर आवे, वो ठीक कैसे हो सके है? अचानक बिना किसी जुर्म के चोर उचक्कू के साथ थाने में डलवा दिया। ताई साहब छोड़िए ना ये सब बातें, बाबू को आराम करने दो ना। वैसे बीननी, कुछ पता चला कि रपट किसने लिखाई थी? नहीं ताई साहब, हम सब तो खुद समझ नहीं पा रहे कि कौन है वो पढ़ी लिखी औरत जिसे हमारी भावों की दुश्मनी है। पुरखों की इज्जत, पुरखों का नाम सब एक झटके में। छवि, जरा जिठानी जी को बोलना सबके लिए पानी लेकर आए। भाभी, लेकिन वो तो घर पे है ही नहीं। हाँ, वो क्या है ना कि भाभी की थाने जाते ही कहीं चली गई थी और अब तक लौट के नहीं आई। लेकिन घर में इतना बड़ा तूफान आया है, कहाँ चली गई जिठानी जी? संध्या भाभी जरूर मंदिर गई होंगी भाभू के लिए प्रार्थना करने, मगर इतनी देर थोड़े ना लगे हैं मंदिर में। हे मारे पहाड़ी वाले बाबा, बस मारे घर को, मारे ससुराल को पूरी नजर से बचाओ। अच्छा संतुड़ी, अब मचा लो, कोई जरूरत हो तो बता दीजिए, आधी रात में भी आ जाऊंगी तेरे लिए। सुधा, फोन लगा पुलिस स्टेशन में और सुन, बात सिर्फ अंग्रेजी में करना। हनेक रपट लिखवानी है। हनुमान गली में राठी निवास में रहने वाली संतोष राठी के खिलाफ, जिन्होंने अपने बहू ने मारा पीटा
घने जुलम किए और फिर धक्के दे दे के घर से बाहर काट दिया। लेकिन माँ मैं सयानी छोरी ना हमारी, जा फोन लगा, घर के फोन से नहीं बाहर पीसीओ से। माँ ये बात अगर हो गई तो बात ज्यादा फैल जाएगी, हाथ को नहीं आएगी। राज छोरी जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। इसलिए ही तो बोल रही हूँ छोरी, ताकि आगे जाके थारी जेठानी की पढ़ाई का राज खुले तो वो पकड़ी जावेगी, समझी? ये रास्ता तने तारे सासरे पहुंचाएगा, वो भी मान सम्मान रे साथ।